भाई साहब ये देख रहे हो, कतई सुलेमानी, चीट डालूंगा, फाट डालूंगा, काट डालूंगा रे। सो चलिए गाइस, कहते हैं बाय बाय लांगजा को और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, या तो फिर काजा या फिर खिब्बर। काफ़ी ऊंचाई पर है यार ये, धूप से जो रास्ते में पड़ी हुई बर्फ़ थी हल्के वाली, जो भुरभुरी टाइप की होती है जैसे ये वाली पड़ी है, थोड़ी सी पिघल गई है, इससे हमें थोड़ा सा राहत मिल सकती है, लेकिन किसी की भी बाइक कभी भी घूम सकती है। क्या वाइट स्नो है यार, पूरा लांगजा वाइट है। वो देखिए यहीं से दिखता है वो स्टैचू ऑफ बुद्धा, 35 फीट ऊंचा है ये। सो गाइस लांगजा का व्यू कुछ इस तरह से है, यहाँ से हम गांव के थोड़े तक करीब आ जाते हैं। रात को तो पता नहीं चला, लेकिन रास्ते पर ब्लैक आइज इतनी है कि ग्रिपिंग खो रही है बाइक। बाकी इस व्यू के बारे में आप क्या कहोगे, ऐसा पड़ा है जैसे वाइट गोल्ड पड़ा हो, प्लैटिनम भाई, कतई बुरा सी पड़ी भाई, वाइट बुरा। बर्फ़ की एक बार चल सकती है, लेकिन ये जो रास्ते पे रोडी पड़ी है ना छोटी छोटी, ये काम ख़राब कर रही है, क्योंकि इनके नीचे बनती है गारा कीचड़ जब बर्फ़ पिघलता है। बस राइडर हो, कोई भी राइडर हो, अपनी वो ग्रिप खो देता है। हमें तो भाई हमारी भी खींच दो, एक हमारी भी खींच दो फोटो। ठीक, धन्यवाद। मेरे आगे वाला टायर फुल हो चुका है, मडगार्ड जो इसका आगे वाला फुल हो चुका है मिट्टी से, मिट्टी और स्नो। ऊपर की तरफ वहां ठंड है, वहाँ अभी स्नोफॉल चालू है, उधर का मौसम ख़राब हो रहा है। दोस्तों अभी लगाना पड़ेगा चश्मा, क्योंकि बाहर इतनी प्योर वाइट स्नो है, आंखों पे चमक डाल रही है, और इस चमक से स्नो ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। सो कभी भी अगर धूप निकली हुई हो और प्योर वाइट स्नो हो, सो नंगी आंखों से राइड मत चलाना, आपकी आंखें सूज जाएगी और चांसेस बढ़ जाएंगे स्नो ब्लाइंडनेस के।
सो लांगजा का रास्ता इस तरह से है, देख लो। वो तो कल तो रात थी, अब है दिन, दिन में भी आप देख सकते हो। ये एक एवलांच जोन है यहाँ पर, ये देख रहे हैं बिल्कुल सड़क पर आई हुई है, ये कभी भी खिसक कर नीचे जा सकती है। इस तरह के खतरे माउंटेन राइड को हमेशा से और भी ज़्यादा डेडली व ख़तरनाक बना देते हैं। सो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप यहाँ ना आए, आपको राइडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्नो पे चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। और ये एक्सपीरियंस कब होगा, आप अपने आसपास की कोई भी लोकल सी लोकेशन चुनकर हल्की फुल्की सी राइड करके देख लीजिए, तब आपको। देखे पेट से कोई नहीं सीख कर आता, सब यहीं आके सीखते हैं। कोई अच्छा सा राइडिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे वाला ग्रुप तो बहुत है राइडिंग के। भाई जी अब बनेगा सीन, अब आगे बर्फ रास्ते में ही, ओए ओए ओए, बिल्कुल प्यार से। गाइस एक बात बताना चाहूंगा, ये जगह जानवरों से, जंगली जानवरों से इतनी भरी हुई है कि आप पूरे, ये जहां पर हम चल रहे हैं ना रिमोट एरिया है, यहाँ तेंदुए के पाँव के निशान हैं, लोमड़ी के पाँव के निशान हैं, रेड फॉक्स और शीप, सो इतने निशान हैं यहाँ पर। सो इसलिए रात में कभी भी यहाँ राइड ना करें, जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, जिस बर्फ़ के पैच पर देखो, उधर जंगली जानवर के निशान हैं। ये देखिए जंगली जानवर के निशान यहाँ पर भी है, सब जगह जंगली जानवरों की आवाजाही है। ये देखिए रास्ते में बहुत ही प्यार से, हो गया था काम अभी, चलो। भाई साहब मजा आ रहा भाई, ये देख रहे हो भाई साहब, कतई सुलेमानी, चीट डालूंगा, फाट डालूंगा, काट डालूंगा रे। चलो प्रदीप भाई भी कमाल कर रहे हैं, गजब गजब प्रदीप भाई, गजब गजब। चलो चलो बन के बन के बन के, बढ़िया बढ़िया, गई 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 गई, हो जाएगा धीरे से, प्यार से प्यार से। देख रहे हो किस तरह से घूमती है बाइक। सो गाइस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ चुके हैं, और अब यहाँ से आगे का प्लान डिसाइड होगा। बाकी तीनों मिलके बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पहले सबसे पहले देखना है नेटवर्क, बाइक को लगाते हैं इधर, नेटवर्क है भाई बिल्कुल भी नहीं है तो कोने पे मिलेगा, आगे आगे कोने पे, कोने पे थोड़ा सा आगे, चलो तो थोड़ा सा आगे रोकते हैं।
बाकी व्हाइट स्पीति का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, अल्टीमेट है बॉस, अल्टीमेट। वाह, ये देख रहे हो, ये सांप की तरह रिवर, गजब यार, गजब। दोस्तों लांगजा तक का सफ़र आसान नहीं था, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा किस तरह से फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, रपट रहे हैं, बाइक निकल रही है नीचे से, ग्रिपिंग खो रही है। सो स्नो पर राइड करना आसान नहीं है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है, आप इधर फिसल रहे हो तो इधर भी जा सकते हैं। सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका ध्यान रखा करें। लगता है नेटवर्क है नेटवर्क। अरे वाह, सुनीता, संगीता, बबीता, कविता। चले गाइस, करते हैं अपने दोस्त तारिक आरिश को फोन, जानते हैं उसकी लोकेशन वो है कहाँ, और हाँ नेटवर्क है, मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। सो दोस्तों यहाँ से गिर रहे हैं पत्थर, क्योंकि ये लैंडस्लाइड जोन, यहाँ खड़े होने को कोई फायदा नहीं है। आगे आएगा गेट, मैं आपसे वहां मिलता हूँ और बताता हूँ मेरा क्या प्लान है। दोस्तों कल की तरह आज भी मौसम ख़राब हो रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था काजा से लांगजा के लिए और हिक्किम के लिए, तब सेम ही वेदर था। काश मैं थोड़ा पहले स्टार्ट कर देता, सो उस रात ख़राब मौसम में ना फंसता, और आज भी सेम ही टाइम है और सेम ही सिचुएशन है। दिस इज़ काजा गाइस, सर्दियों में काजा इस तरह से रहता है, पूरा ढका हुआ। तो दोस्तों लांगजा वाली राइड तो काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ से प्लान हो चुका है चेंज, हम तीनों के तीनों जा रहे हैं खिब्बर।